इतना लेट आना। आज वार्डो के द्वारा है बारन में जो है धरना रैली निकाली गई है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुखिया अधिकारी मुर्दाबाद, तमाम नारों से जाजपुरा जो है बारू नगर पंचायत गूंज रहा है। क्या है इन लोग की मांगे, कहाँ इन लोग की सरकार से दिक्कत आ रही है, इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। अरविंद कुमार, वार्ड संघ का प्रखंड अध्यक्ष हुए। आज हम लोग एक दिवसीय धरना इसलिए कर रहे हैं कि मुखिया के द्वारा हम लोगों को जो मूल अधिकार अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में अगर गांव सुदूर को अगर विकास करना है तो सर्वप्रथम जो है वो वार्ड सदस्य की उसमें अहम भूमिका होती है। पिछले सत्र में ऐसी प्रावधान थी कि सरकार के द्वारा हम लोगों को 7 निश्चय बन करके जो अधिकार वार्ड सदस्यों को दिया गया था वो इस बार वो अधिकार समाप्त कर दिया गया है। जिस तरीके से लोकतंत्र के हिसाब से मुखिया जैसे चुन के आते हैं उसी तरीके से एक वार्ड का प्रतिनिधित्व एक वार्ड सदस्य भी करता है, लेकिन आज पंचायत के मुखिया द्वारा हम लोगों का अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन किया जा रहा है। हम लोगों को वो किसी भी योजनाओं के चयन की प्रक्रिया में बैठक तो कराई जा रही है, लेकिन हमारी मांग को मानकर वो चीज़ कि एक साल के दरमियान वो कार्य धरातल पर दिख नहीं रहा है। इसलिए प्रदेश स्तर से ही ये हर जिलों में भी, औरंगाबाद जिला में भी लगभग हर प्रखंडों में एक दिवसीय धरना सब द्वारा दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से आज हम लोगों ने बारूण प्रखंड के भी सभी वार्ड एकत्रित हुए हैं, होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। और हम लोग का मुख्य रूप से यही है कि जो राज्य सरकार के द्वारा एक 14 सूत्री मांग का आह्वान किया गया है वो चीज़ें है कि जैसे पूर्व में हम लोगों को 7 निश्चय के तहत जो अधिकार दिया गया था वो अधिकार हम लोगों को सरकार फिर पुनः वापस करे ताकि हम अपने गांव का समुचित रूप से विकास कर सके। लेकिन इसमें अधिकारियों द्वारा और मुखिया के द्वारा मिलकर हम लोगों को अधिकार को सीमित कर दिया जा रहा है। क्या आप लोगों की समस्या क्या आ रही है, पहले जो समस्या पहले क्या फायदा था और अभी क्या समस्या भी आ रही है? जैसे नीतीश सरकार का जो हम लोग नारा लगा रहे थे तो सरकार के द्वारा अपने मनमानी तरीके से वार्ड सदस्यों का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। वार्ड सदस्यों पर यह आरोप लगाया जाता है कि पिछला बार जो फंडिंग आया तो वार्ड सदस्य के द्वारा सब पैसा को निकाल कर बंदरबांट कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता में जो बंदरबांट है मुखिया और जो सरकार के जो अधिकारी होते हैं जो ग्रामीण विकास में अपना भूमिका निभाते हैं उन लोग मिल करके बंदर बांट पैसों का करते हैं। वार्ड सदस्य को बदनाम कर दिया गया और उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग अपने अधिकार के लिए आज बारून प्रखंड में हमारे प्रखंड अध्यक्ष अरविंद भैया के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रखंड के वार्ड सदस्य जो हैं या प्रत्येक पंचायत के उप मुखिया हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को, पंचायती राज पदाधिकारी को अपनी 14 सूत्री जो मांग है, जो हम लोग संगठन के द्वारा जो संघ के द्वारा मांग किया गया है उसमें है कि मुखिया का जो मानदेय है 500 रुपया देता है, सॉरी वार्ड का, तो इसमें तो कुछ होने जाने है नहीं। और जो फंड जो आता है तो वो योजना जो पारित किया जाता है तो एक बैठक के आम सभा करके ग्राम सभा करके जो पारित किया जाता है तो उसमें वार्ड सदस्यों का केवल मात्र समझिए तो साइन का ही अधिकार रह गया है। वो अपने अधिकार काम मन से काम नहीं करवा सकते हैं। मुखिया और जो अधिकारी है पंचायत सचिव वगैरह होते हैं जो या फिर जो संलिप्त अधिकारी उसमें है उन लोग अपने मनमानी तरीके से योजना को डालते हैं और वैसे योजना को उन लोग चयन नहीं करते हैं जिससे ग्रामीण विकास ग्रामीणों का फायदा हो, वो अपना फायदा देखते हैं। हमें यहाँ तक देख रहे हैं अभी 2 साल से हम ही वार्ड सदस्य हैं, अभी 2 साल हुआ हमारा कार्यकाल का, तो बहुत समस्या आ रहा है हम लोग के साथ। और जो यहाँ तो कॉलोनी जो होता है तो उसमें हम लोग मांग रखे हैं कि वार्ड सदस्य का कम से कम अधिकार दीजिए, क्योंकि जो गांव में जो गरीबी है वो तो वार्ड सदस्य ही ना जान रहा है। मुखिया तो अभी जो मुखिया बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े गाड़ियों लेकर के अपने दिखाने में ही व्यस्त हैं। वार्ड सदस्य जो ग्रामीण स्तर पर जमीनी स्तर पर काम करता है कम से कम उसको अधिकार देना चाहिए। तो हम लोग जो 14 सूत्री मांग जो रखे हुए हैं हम लोग ज्ञापन के माध्यम से देंगे, उसको आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब मेन समस्या आप लोग मुखिया से है कि मुख्यमंत्री से है? देखिए मुखिया के द्वारा तो अधिकार हम लोग को छीना नहीं गया है, लेकिन मुखिया से का मनमानी किया जा रहा है। यहाँ पे मुखिया अपने मन से योजना का चयन करते हैं और अपने मन से वो काम कराते हैं। वैसे काम का चयन ज़्यादा होता है जिसमें मुखिया को फायदा हो, उन लोग को तो सिर्फ पैसा से मतलब है।
वार्ड सदस्य जो जान रहा है नली है, गली है, राशन कार्ड है, कॉलोनी है, तो इसमें वार्ड सदस्य अगर नाम भी देता है तो मुखिया और जो संबंधित अधिकारी है उन लोग के मनमानी से कुछ लोगों का नाम जाता है, कुछ लोगों का नाम कट जाता है और वार्ड सदस्य को गाली सुनने को मिलता है यहाँ पे। तो मुखिया से दिक्कत यही है कि मनमानी करते हैं अपने, नीतीश सरकार से दिक्कत यह है कि वार्ड को अधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया, वार्ड सदस्य को बदनाम कर दिया। कि पिछला बार जो सात निचोला फंड आया तो वार्ड सदस्य निकाल लिया, खर्चा कर दिया अपने कामों में, वैसा कहीं नहीं है। चूंकि वार्ड सदस्य जनता के द्वारा चुने गए हैं, सब तो शिक्षित है नहीं, मुखिया के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, संबंधित अधिकारी के द्वारा उनसे साइन करवाया जाता है, चेक ले लिया जाता है, पैसा का बंदरबांट कर लिया जाता है, वार्ड सदस्य को बदनाम किया कर दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं, नीतीश सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का जो वार्ड सदस्य का जो उचित अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर धरातल लेवल पर सही में अगर ग्रामीण विकास करना है, पंचायत का विकास करना है, तो वार्ड को अधिकार देना होगा। मानी जनता को हो रही है परेशानी, क्या परेशानी हो रही है संक्षेप में बताइए, लोग बता चुके हैं, आपका क्या मांग है स्पेशल परेशानी? मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं पंचायत से उप मुखिया रवि प्रताप सिंह हूँ। मेरा ये कहना है, सरकार और मुखिया दोनों से कहना है कि जैसे जो भी परेशानी है धरातल पे, जो परेशानी आ रही है जमीनी स्तर से वार्ड लोग जुड़े हुए होते हैं और उस चीज़ को वार्ड बहुत भली भांति समझती है, मुखिया को उसको जांच करके और उस काम को आगे बढ़ाएं। जैसे योजना हो गया, जो भी चीज़ हो गया, नल जल पहले जैसे था, कुछ पीएचडी के द्वारा भी है और कुछ वार्ड के द्वारा भी है, तो ये समझ में नहीं आता। फिर चिट्ठी निकाल दी जाती है डायरेक्ट बिना सर्वे के कि ये सब दे दिया जाता है पीएचडी विभाग को। तो पीएचडी विभाग का ये हम जानना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पीएचडी विभाग भी है उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन भी करने जाता है उसके लिए भी कोई मतलब मौजूद नहीं रहता, बीपीआरओ सर पास कहें या कहीं भी रहें कोई सुनता नहीं है, और वार्ड वाला कम से कम गांव वाला उसको नोट करके जनता लोग ये परेशान करता है कि हाँ ये मेरा नल नहीं है, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ लाजे लिहाजे करेगा, जैसे भी करता है। लेकिन ये किस आधार पे निकाला गया, पीएचडी को दे दिया गया नल जल वाला व्यवस्था, जो कि पीएचडी का हर जगह व्यवस्था बंद है, कहीं भी मतलब चालू नहीं है। और ये मुखिया से ये परेशानी होता है कि जीपीडीपी के माध्यम से जो भी लोड होता है ई ग्राम स्वराज पे, पहले तो जो भी वार्ड कमजोर लोग हैं दबा दिया जाता है, डांट दिया जाता है, भगा दिया जाता है, साइन जबरदस्ती करा लिया जाता है, और उसके बाद अगर चढ़ भी गया किसी कारण अधिकारी से लेकर के, तो चढ़ने के बाद इस ग्राम स्वराज पे जो चढ़ जाता है जो भी योजना, तो उसको कराने का जिम्मेवारी कौन लेगा? मुखिया तो अपना मनमानी करता है, जहाँ होता है वहाँ पे करता है, लेकिन ब्लॉक के लोग अधिकारी हैं जो भी हैं उसको उनको देख रेख करने के लिए रखा गया है, या उनका कोई काम ही नहीं है, तो फिर या फिर वार्ड का यह काम नहीं है, कोई ना कोई तो इसमें मतलब एकदम हाथ खड़ा कर दे रहा है, या वार्ड का चुनाव ही मत करवाइए, वार्ड का क्यों साइन लेना है तो कोई जनता से ले लीजिएगा, कम से कम सरकार का पैसा तो बचेगा। इस वार्ड का चुनाव में जितना भी पैसा खर्च होता है और वार्ड का कोई बात मानना ही नहीं है, तो फिर चुनाव ही खत्म करवा दीजिए कम से कम, या सर्टिफिकेट ले लीजिए, मुखिया से ही सारा काम करवाइए। तो यहाँ पे मेन कहना यही कि सरकार एक क्रियावन का जो समिति का अकाउंट बनाई है, उस वो अकाउंट किस लिए बनाई है? केवल देखने के लिए बनाई है या उसमें कुछ राशि डायरेक्ट मतलब डालेगी सरकार? डालेगी तो कुछ वार्ड भी अपने हिसाब से जनता तक मतलब करा सकता। मुखिया तो गाड़ी पे बोले ना, जैसे अभी मेरे संजीत भैया बोले कि बड़े बड़े गाड़ी पे आते हैं और हाल चाल सुने, गोल सलाम लगे, उसके बाद अपना निकल गए। अब उस परिस्थिति में वार्ड को हमेशा सुनना पड़ता है कि हम तो योजना लिखवा के दिए तो तुम कहाँ दिए, तो हम लोग जाकर के वहाँ पे दे देते हैं, उसका ना रिसीविंग मिलता है। तो सबसे पहले सुनिश्चित ये किया जाए वार्ड बारून बीपीआरओ सर से या जो भी ब्लॉक के हेड हैं उनसे, ये हमारा मांग है कि जो भी लोड होता है योजना में तो उस चीज़ को सचिव साहब के द्वारा रिसीविंग दिया जाए कि हमने ये कम से कम वार्ड कहने तो लाइक होगा कि हाँ जनता के हम दिए और वहाँ पे लोड ही नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं, अब कहने के लिए तो दिन भर कह गए आदमी, लेकिन आपके पास टाइम इतना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन दिन भर हम अगर अपना परेशानी को कहते रहेंगे तो यहाँ पे परेशानी खत्म मेरा नहीं होगा। और हम लोग थोड़ा कमजोर लोग हैं, छोटा लोग हैं, इसलिए हम लोग का बात बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं अधिकारी लोग, और मुखिया लोग दबंग लोग हैं, पैसे से आते हैं, बहुत अपना पावर से यहाँ पे ब्लॉक में ये कुछ ना कुछ छाप छोड़ के जाते हैं, इसलिए उनको आवाज़ सुना जाता है, हम लोग का बात नहीं सुना जाता है। रियल बात यही है। तो इसीलिए हम लोग धरना पे हैं कि वार्ड का जो भी मांग है कि वार्ड के मुखिया और अधिकारी के
मनमानी के वजह से वार्ड का पूरा अधिकार भी नहीं मिला, उस अधिकार के वजह से जनता का काम बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। सच्चाई बात यही है, इसलिए आपसे यही आग्रह होगा ब्लॉक के जो भी साहब सुन रहे हैं कि हम लोग को मांग को देखा जाए, जो जायज है आप देखिए उसको सर्वेक्षण कीजिए और उसके बाद ही हमें लागू कीजिए। चलिए, धन्यवाद।